फ्रेंड्स, वेलकम टू आरती सिजलिंग किचन। आज हम बना रहे हैं सांभर, तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो इसके लिए हमने दो बैंगन, एक आलू, थोड़ी सी लौकी ली है, साथ में हमने दो टमाटर को कट कर लिया है। एक कटोरी हमने अरहर की दाल ली है, इसको हमने भिगोकर नहीं रखा। साथ में हमने एक मीडियम साइज का प्याज कट कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। सबसे पहले हमने कुकर में तेल ले लिया है, अब हम उसको गर्म होने देंगे। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच राई डालेंगे, साथ ही एक छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। दो हरी मिर्च को हम बारीक कट करके डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और उसको सुनहरा होने तक पकाएंगे। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तब हम इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। जब टमाटर अच्छे से पक जाए, तब हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे। अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मिनट तक पकने देंगे। अब हमने अरहर की दाल ली है, उसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे हम कुकर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें दो चम्मच सांभर मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डेढ़ गिलास पानी ऐड करेंगे। कुकर को बंद कर दे और एक सीटी आने तक इसको पका ले। जब तक कुकर की स्टीम खुद से बंद ना हो जाए, तब तक इसे ना खोले। तो यहाँ देखिए, सब्जी और दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है। मैं एक आलू आपको अच्छे से मैश करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये कितने अच्छे से मैश हो रहा है। दाल थोड़ी सी घनी है, तो हम इसमें एक गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें इमली का पानी ऐड करेंगे। आपको जितना खट्टा पसंद है, आप उतना इमली का पानी ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट तक इसको अच्छे से पका ले और हमारा सांभर तैयार है। तो आइए सर्व कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा वॉइस ओवर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में भी वॉइस ओवर करूं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।